रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का एक मिनिमम स्टॉक लेवल हमें फैक्ट्री में देखते रहना चाहिए। होता क्या है, कुछ मटेरियल रहते हुए भी आप परचेज कर लेते हो। रॉ मटेरियल मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड मेंटेनेंस, स्पेयर मटेरियल, ये सारे चीज का रख रखाव का प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर ऑफ डाई कितना है और नंबर ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, स्पेयर पार्ट कितना आपको लगने वाला, उसका मिनिमम क्वांटिटी, पैकिंग मटेरियल, ये सारे हमारे पास लिस्ट आउट होना चाहिए, तभी हम अच्छे ढंग से कंपनी को चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और FIFO जिस कंपनी में FIFO सिस्टम डाल गई है, तब तक आप कंपनी में क्वालिटी नहीं निकाल सकते हो। मान लीजिए कि आपका कुछ मटेरियल आया, आपने यहाँ पर स्टोरेज किया, ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज किया, पता चला कि दो साल से वही मटेरियल नीचे पड़ा हुआ है, जैसे ऊपर वाला आता है उसको यूज करते जाते हो, तो FI फर्स्ट इनकमिंग जो आया था, FI का मतलब फर्स्ट जो आया था वो तो वैसे ही रह गया, और FO का मतलब फर्स्ट वही जाना चाहिए, जो पहले आया वही पहले यूज होना चाहिए, जो बाद में आया वो बाद में यूज होना चाहिए। इस चीज को, और जैसे कि आपको स्टॉक भी आपको मेंटेन करना चाहिए, डेली का डेली स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। कि आगे हमारे एक 400 तो फॉर्मेट बना करा गया है। ISO का मतलब ये होता है कि सिस्टम जो सारे कंपनियाँ फॉलो करती है वो भी हमें फॉलो करें। जैसे आपका जितने भी रॉ मटेरियल लगता है उसका रॉ मटेरियल का लिस्ट बनाइए, उसके बाद आपके पास आज का आपका स्टॉक इन हैंड कितना है, आपका प्रोडक्ट आप परचेज कितना किया, और यहाँ पर डेली कंजम्पशन कितना हो गया, फिर आज का आपका बैलेंस कितना बच गया। और डेली का हम ऐसे करते जाएंगे, एक ये होता है डेली कंजम्पशन रिपोर्ट होता है, एक होता है कि आपका मंथली कंजम्पशन रिपोर्ट, ये सारे चीज को एक कंपनी में जो इंचार्ज होता है, जो स्टोर कीपर होता है या परचेज वाला होता है, उसको नॉलेज में होना चाहिए। ये सारे चीज हम जब तक नहीं करते हैं तो कंपनी का कभी विकास नहीं हो सकता है, क्वालिटी नहीं आ सकता है, क्योंकि सब कुछ का एक एक्सपायरिंग डेट होता है, कपड़े का भी एक्सपायरिंग डेट होता है। कितना भी कॉस्टली कपड़ा आप संदूक में रख दीजिए, सूटकेस में रख दीजिए, गिरवा में रख दीजिए, उसको यूज नहीं करोगे, नहीं यूज करोगे तो फटने वाला है, ठीक है। एक लोहा है, उसको चाहे कुछ यूज नहीं करोगे फिर भी कहीं पर रख दोगे तो उसमें जंग लगना मुनासिब है। उसी तरह से कोई भी रॉ मटेरियल उसका एक सेल्फ लाइफ होता है, कोई भी रॉ मटेरियल आपका सेल्फ लाइफ होता है, उसको लाइफ रहते हुए भी आप यूज नहीं करते हो तो आपका क्वालिटी में कहीं ना कहीं आपको खराबी आएगी। तो ये सारे रॉ मटेरियल पर बहुत आपको फोकस करने की जरूरत है कंपनी चलाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।